उत्तरकाशी के जंगल में आग तेजी से फैल रही है। गंगा घाटी और यमुना घाटी के जंगलों में लगी आग से हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वन विभाग ने देर से सही मगर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है, मगर आग जिस तरीके से फैल रही है लगता नहीं कि इस बार जंगल सही सलामत रह पाएगा। गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में उत्तराखंड के जंगल सुलग रहे हैं। जंगल की आग को लेकर पौड़ी में वन विभाग अलर्ट हो गया है। वनकर्मी सुबह और शाम के समय सड़कों के किनारे जमा हो जाते हैं, पेड़ों की सूखी पत्तियां और टहनियों को साफ करते हैं, साथ ही शरारती तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। ये हमारे जो पौड़ी रेंज है, गढ़वाला बनबरवा की नागदेव रेंज, इसमें हम लोगों के द्वारा 5 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। 5 पुलिस स्टेशनों में हमने फायर वाचर भी डिप्लॉय कर दिए हैं। हमारा स्टाफ लगातार जो है फायर लाइन्स, मोटर रोड और पैदल पट्टियों की सारी सफाई कर रहा है। पत्ते गिरने प्रारंभ हो गए हैं और हम सारे लोग एक्टिव हैं और अभी तक पौड़ी रेंज में किसी प्रकार की कोई अग्नि दुर्घटना नहीं हुई है। हम लोग जो है हाई अलर्ट मोड पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अग्नि दुर्घटनाओं की कमी हो जाए। उत्तराखंड के जंगलों में लग रही आग को लेकर खुद भाजपा नेता ही सवाल उठा रहे हैं। वन पंचायत परिषद के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र विश ने वन विभाग पर सवाल उठाए। वीरेंद्र विश का कहना है कि जंगल में आग लगने के पीछे वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। वीरेंद्र विश ने कहा कि फायर सीजन को लेकर अधिकारियों के पास कोई कार्ययोजना नहीं होती और अब जब आग लगती है तो अफरा तफरी में बजट खर्च कर दिया जाता है। किसी भी हाल में रोके, लेकिन पिछले 3-4 दिन अफरा तफरी में जो है बजट खत्म किया जाता है और अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जो जंगल हैं, धू धू करके जलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और वो जलते ही नहीं हैं, वहाँ जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनकी असमय मौत हो जाती है, वो तड़फ कर उनकी मौत हो जाती है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये नुकसान होता है। अधिकारी जो है सिर्फ बजट ठिकाने लगाने की सोचते हैं कि अब आग आ गई है, आग लगने का समय आ गया, 2 महीने 3 महीने, इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है।